भाई लोग स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो भाई लोग आज प्लीज यार वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज अपने चैनल दिस इज मंकू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, और लास्ट में मैं आपको योहानी सिंह से रिलेटेड भी अपडेट दूंगा। तो यार प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे चैनल है दिस इज मंकू, इसके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, और ये सब क्रेडिट जाता है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों ने इतना यार ट्रस्ट किया मेरे पे, सपोर्ट किया भाई के लिए। तो आप ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहना, मैं आपको ऐसे ही 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा हनी सिंह और गुरु रंधावा से रिलेटेड। क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन दे दूं और व्यूज पालूं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो कि योहानी सिंह के बारे में और गुरु रंधावा के बारे में बहुत ज्यादा फेक इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि इस मूवी में सॉन्ग आने वाला और उस मूवी में सॉन्ग आने वाला, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो हनी सिंह के डाई हार्ड फैन होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है बाद में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट करते हैं कि इस मूवी में हनी सिंह का सॉन्ग आने वाला है और आप फेक इन्फॉर्मेशन देते रहते हो। लेकिन उनसे पूछो जो कि डाई हार्ड फैन होते हैं हनी सिंह के, उन्हें कितना ज्यादा बुरा लगता होगा कि जब उनका सॉन्ग नहीं आता होगा उस मूवी में। तो इसलिए प्लीज ऐसा नहीं करने चाहिए। तो मैं आपको हमेशा ऐसी रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा, कभी भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। तो आप अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मैं खुद हनी सिंह का दिल से फैन हूँ, डाई हार्ड फैन हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उनके गानों को बहुत ज्यादा सुनता हूँ। तो इसलिए मैं आपको हमेशा रियल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। और मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, मेरी एक वीडियो थी माफिया मंडल ग्रुप के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि रफ्तार और बादशाह ने ये ग्रुप क्यों छोड़ा था। तो वो वीडियो मेरी बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, उस वीडियो के 65K से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, मतलब कि 65,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं अभी उस वीडियो पे। अगर आपको वो देखना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। भाई लोग उसमें क्या है ना, बहुत से लोग हैं जो कि रफ्तार और बादशाह के फैन है, वो हेट फैला रहे हैं उस वीडियो के कमेंट में और बोल रहे हैं कि तू फेक है, तू फेक वीडियो बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई लोग आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी है कोई स्टोरी नहीं बनाई, मैंने मन से उसमें रियल इन्फॉर्मेशन दी है। जब इक्का और रफ्तार की लड़ाई हुई थी तो गुस्से में इक्का भाई इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और उन्होंने उस दिन सब कुछ रिवील कर दिया था। इक्का भाई पहले कभी भी कुछ नहीं बता देते माफिया मंडल ग्रुप के बारे में, लेकिन जब उन दोनों की लड़ाई हुई थी तो उसमें इक्का भाई ने गुस्से में सब कुछ बता दिया था, सब कुछ रिवील कर दिया था कि क्या क्या हुआ था और ग्रुप क्यों सबने छोड़ा था। तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, तो आपको जैसा भी लगे मुझे क्या, मैंने तो वीडियो बना दी और सच्चाई बता दी। लेकिन जो हनी सिंह के फैन है उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने उसमें सच बताया है। तो चलिए फिर अब हम बात करने वाले हैं जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में, कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हनी सिंह के गाने से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। तो यही है कि दबंग 3 और हाउसफुल 4 में बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हनी सिंह का गाना आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बहुत से लोग जो कि वीडियो बना रहे हैं व्यूज़ के लिए और स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं विकिपीडिया का कि इसमें ये हनी सिंह का नाम है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडिट वगैरह सब हो जाता है। मैंने कुछ दिन पहले दबंग 3 का विकिपीडिया चेक किया था, उसमें हनी सिंह का नाम था, लेकिन जब 2 दिन बाद चेक किया तो उसमें साजिद वाजिद का नाम आ गया, तो विकिपीडिया पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ऐसे ही हाउसफुल 4 का आया, तो उसमें भी सॉन्ग नहीं आने वाला है, लेकिन कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। लेकिन हनी सिंह की जिस मूवी में 100% गाना आने वाले हैं जो कि ऑफिशियली कन्फर्म है, वो 2 मूवी हैं जो कि अगले महीने आपको देखने को मिलेंगी नवंबर में, एक 22 नवंबर को देखने के लिए मिलेगी और एक 8 नवंबर को आपको मरजावा मूवी देखने के लिए मिलेगी। उसमें हनी सिंह का सॉन्ग 100% कन्फर्म है और उस सॉन्ग का नाम POW है, और ये बहुत पहले शूट भी हो चुका है। इस गाने में आपको सिद्धार्थ मल्होत्रा और नुसरत भारूचा दोनों देखने के लिए मिलेंगे, और इस गाने को राजस्थानी फोक से इंस्पायर्ड बनाया गया है, और इस गाने के लिरिक्स म्यूजिक कंपोज सब हनी सिंह का है, तो आपको ये अगले महीने देखने के लिए मिल जाएगा, एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है। और एक और सॉन्ग है जो कि पागलपंती मूवी में है, इस मूवी में भी हनी सिंह का जो सॉन्ग है उसका नाम है ठुमका, और वो भी 100% कन्फर्म है और शूट भी हो चुका है लंदन में बहुत पहले, तो ये भी एक पार्टी सॉन्ग होने वाला है और आपको ये बहुत जल्द सुनने के लिए मिल जाएगा, अगले महीने अक्टूबर में आपको ये सुनने के लिए मिल सकता है। तो ये 2 गाने जो कि आपको अगले महीने सुनने के लिए मिल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हनी सिंह और गुरु रंधावा से रिलेटेड अपने चैनल पर अपडेट्स देता रहता हूँ, और आपको इस चैनल पर हमेशा रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।